ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म आगही और बेदारी और तालीम और तरबियत किस दरसगाह रोशनी इल्म की, इसमें आप सबों का इस्तकबाल है। तालीम और तरबियत और उससे वाबस्ता जो अनासिर हैं, मुख्तलिफ अनासिर हैं, हम उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये जो तालीम निज़ाम है, जो कभी एक मुसलस नुमा या ट्रेंगुलर हुआ करता था, अब आज मुसदस नुमा है, यानी हेक्सागन है, 6 ज़िले हैं इसके, 6 ज़ाविये हैं, और उसमें एक जो ज़ाविया जो अहम है वो उस्ताद है। उस्ताद को हर मज़हब और हर दीन और सिस्टम में एक ऊंचा मर्तबा दिया गया। इस मुल्क की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें गुरु, गुरुकुल, गुरु दक्षिणा वगैरह वगैरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस्तलाहत हैं, उससे बात जाहिर होती है कि यहाँ पर भी इस मुल्क की जो पुरानी तहजीब रही है उसमें उस्ताद का एक मर्तबा रहा है। अब इस बात को पहले समझिए कि सबसे बड़ा मर्तबा जो है उस्ताद का वो दीन इस्लाम में, क्योंकि इस रूए ज़मीन के सबसे अजीम तरीन इनकलाब की खबर लेकर आने वाले, सोच लीजिए कि ये मर्तबा है उस्ताद का। कि एक उस्ताद अगर है तो उसका मर्तबा या उसकी जो निस्बत है वो पैगंबराना है, यानि जो कारे पैगंबरी है उनसे रिश्ता उसका मिल रहा है, निस्बत उसकी मिल रही है, जो पसंद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए उस कैटेगरी में वो आ रहा है। अगर एक उस्ताद तालीम और इल्म को फैला रहा है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहा है, तो मतलब इतना बड़ा मर्तबा है, ये इसको याद रखने की ज़रूरत है। और ये क्यों ज़रूरत है इसकी याद रखने की, क्योंकि अक्सर जो है वो असातिज़ा ही भूल जाते अपना मर्तबा क्या होता है इसमें। बदकिस्मती से इस तालीम निज़ाम में वही होता है जो सियासी निज़ाम में हो रहा है। क्या हो रहा है कि सियासी निज़ाम में क्या होता है, फ़र्ज़ कीजिए किसी एक लीडर ने, एक नेता ने कोई करप्शन का कोई घपला, कोई घोटाला कर दिया, अब क्या हुआ, हंगामा हुआ असेंबली में, अब एक कमीशन बैठा उसकी इंक्वायरी के लिए, उस कमीशन के सारे मेंबरान को वो लीडर ने, नेता ने क्या कर दिया, खिला पिला दिया, सब रिश्वत दे दी, नहीं सब हो गया ठीक ठाक है। अब हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, एक कमीशन और बैठा, उसमें भी सबको खिला पिला के रिश्वत दे के, नहीं सब ठीक ठाक है। अब हंगामा और हो गया, एक कमीशन और बैठा, तो कमीशन दर कमीशन बैठे जाते हैं, और जब तक वो कमीशन की रिपोर्ट आती है तब तक वो मिनिस्टर जो हैं वो इस दुनिया से चल बसते। एग्जैक्टली यही चीज़ बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम में हो रही है, और इसलिए मैं इस ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये तालीमी निज़ाम जो है वो फेल हो चुका है, मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। इस बर्रे सग़ीर का, इस हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ये जो ममालिक हैं इनका तालीमी निज़ाम फेल हो चुका है। क्यों? आज़ादी के इन सालों में लगभग 40 साल तक इस मुल्क का निज़ाम जो है वो मॉस्को का तवाफ़ करता रहा, कम्युनिज्म सोशलिज्म मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म सोशलिज्म मार्क्सिज्म, मुँह की खा के आ गए।
अभी ये पूरे बरे सगीर में आसाब पर सवार है हमारे माहिरीन तालीम, उनके आसाब पर सवार है मगरबियत, मगरबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस पर जो है वो जहन जा रहा है उनका, उसमें लगे बांधे। ये हमारे जो माहिरीन तालीम जो जाके आते हैं किसी वेस्टर्न कंट्री में और फिर हमारी तालीमी पॉलिसी लिखते हैं, वो लिखते हैं फिर हमको ये ऐसा करना चाहिए जैसा के अमेरिका में होता है, हमको इस सिस्टम को अपनाना चाहिए जैसा के अमेरिका में होता है। अब इन लोगों को आगे फिर ये लिखना पड़ेगा कि भाई दरमियानी छुट्टी में, रिसेस में, एक बच्चा जो है वो क्लासरूम में जो थोड़ा सा इंसल्ट, थोड़ी सी बेइज्जती हुई थी, उसका बदला लेने के लिए एक छुरी निकालता है जैसा कि अमेरिका में होता है। छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बस्ते में, स्कूल बैग में इंतहाई ख़राब किस्म का लिटरेचर और सीडीज या डीवीडीज वगैरह मिलते हैं जैसा कि अमेरिका में होता है। तो वहाँ के जब कॉपी करेंगे तो तैयार रहना चाहिए हमको कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे यहाँ पर दोहराया जाएगा, वो हमारे यहाँ पर ही होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तालीमी निज़ाम जो है वो फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। तो इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ हमारे दरसगाहों में, हमारे स्कूलों में होती है। फ़र्ज़ कीजिए किसी एक स्कूल का रिजल्ट ख़राब आ गया, अब स्कूल के चेयरमैन साहब आते हैं, टीचर्स को डांटे देते हैं कि भाई ये आपका रिजल्ट ख़राब क्यों आ गया, तो हेडमास्टर साहब क्या करते हैं, वो चेयरमैन साहब को जो है वो पैंट पीस, शर्ट पीस, सूट पीस देते हैं, मुर्गी उर्गी खिलाते हैं, सब ठीक ठाक है, रिजल्ट फिर ख़राब आ गया। अब जो है डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आ गया, रिजल्ट ख़राब है आपका, पैंट पीस, शर्ट पीस, सूट पीस, मुर्गी खाया, नहीं सब ठीक है, रिजल्ट फिर ख़राब आ गया। अब आते हैं जो है वो सीधा मंत्रालय के डिपार्टमेंट से, वहाँ से आते हैं जो डिपार्टमेंट से कोई सीनियर ऑफिसर आता है, वही चीज़ पैंट पीस, शर्ट पीस, यानी क्या हुआ कि ये सिलसिला जो है वो मुसलसल चलता रहता है, कोई एंड नहीं उसका। जो सियासी निज़ाम में होता है कमीशन दर कमीशन, बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर होती। तो उसका इलाज क्या है, सुन लीजिए, टीचर को वो ये समझना है कि वो जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके ऊपर चेयरमैन साहब हैं, उनके ऊपर कोई और बड़े साहब हैं, उनके ऊपर कोई एजुकेशन ऑफिसर है, उनके ऊपर कोई जूनियर ऑफिसर है, उनके ऊपर कोई सीनियर ऑफिसर है, उन सब के ऊपर भी एक ऑफिसर बैठा हुआ है अल्लाह ताला, उसको एक दिन जवाब देना है कि बताए बच्चा मैंने तेरे हवाले किया था, तूने उसके लिए क्या किया। मालूम ये हुआ कि इस सिस्टम को तबाह होने से सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है और उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदही का एहसास। और जवाबदही किसे, वो चेयरमैन, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, उसको नहीं, सबसे अजीम तरीन ताकत अल्लाह ताला, उसको एक दिन जवाब देना है कि बच्चा मैंने तेरे हवाले किया था, बता तूने उसके लिए क्या किया। मालूम ये हुआ कि इस तालीमी निज़ाम को सिर्फ एक ही चीज़ तबाह होने से बचा सकती है, अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। और जवाबदेही सबसे सुप्रीम ताकत अल्लाह ताला, उसको मालूम यह हुआ कि हम कितनी ही तालीमी पॉलिसी लिखें, तालीमी पॉलिसियां मुरत्तब करें, कितने ही कमीशन बिठाएं तालीमी पॉलिसी मुरत्तब करने के लिए, एक्सपर्ट्स, माहिरीन तालीम, दानिशवरान, स्कॉलर्स बिठाएं, लेकिन उन सब में जो एजुकेशन पॉलिसी, तालीमी पॉलिसी जो कामयाब होगी वो सिर्फ यही होगी जिस तालीमी पॉलिसी के प्रीफेस में, पेश लफ्ज में पहला जुमला ये लिखा होना चाहिए कि हर टीचर के दिल में, हर उस्ताद के दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, खौफ खुदा पर मबनी जो तालीमी पॉलिसी है वो टिकेगी, बाकी सारी तालीमी पॉलिसीज तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तालीमी पॉलिसी खौफ खुदा पर मबनी, अल्लाह का खौफ,
यहाँ के दुनियावी ऑफिसर्स, उनको भागने के बीसों रास्ते हैं उस सिस्टम से। एक बार मैं बताऊँ आपको, एक बड़ा सा स्कूल था, मैं गया वहाँ पर, देखा, मैंने पूछा उनके हेडमास्टर साहब से कि भाई आपके इतने शानदार स्कूल है, शानदार इमारत है, अच्छी लैब है, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा है, आपके स्कूल का रिजल्ट इतना ख़राब क्यों आता है? हेडमास्टर साहब नीचे झुके, उन्हें कागज़ निकाला, मेरे हाथ में थमा दिया। रिजल्ट खराब क्यों आता है, उसके वजूहत हेडमास्टर साहब ने पहले ही से टाइप करके रखे थे। इतने बच्चे गरीब हैं, इतने बच्चे जो हैं वो नाश्ता करके नहीं आते हैं, इतने बच्चे जो हैं उनका यूनिफॉर्म नहीं है, इतने बच्चे। मैंने कहा हेडमास्टर साहब, आपके ये जवाब माकूल हैं लेकिन मकबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये हालात या इससे बुरे हालात पूरे हिंदुस्तान में, वो कैसे फिर कामयाब हो रहे, वो कैसे बेहतरीन रिजल्ट ला रहे? तो इस सिस्टम से भागने के बीसों रास्ते हैं। इसी सिस्टम ने उस्ताद का मर्तबा क्या से क्या कर दिया, इसके ताल्लुक से हमारी गुफ्तगु जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोशनी इल्म की जिसने बात हो रही है, उस्ताद के मर्तबे की, उस्ताद जो किसी भी कौम और मुल्क और समाज और सोसाइटी का मेमार होता है, ये हम पढ़ते सुनते आते रहते हैं हमेशा, लेकिन उसके उस मर्तबे का ख्याल हम कभी नहीं करते, और उसकी वजह से क्या क्राइसिस, क्या क्या सोसाइटी में हो रहे हैं, इसका हमको अंदाज़ा नहीं हो पाता है। और इसीलिए हुआ क्या है बता रहा हूँ आपको, इस नई तालीमी पॉलिसी में जिसमें, और ये कई दुनिया में ये राइज होते जा रही है बदकिस्मती से, सिर्फ वालिदैन को खुश कर रहे हैं, और जो चाइल्ड सेंटर पॉलिसी थी वो पेरेंट सेंटर्ड बन गई, उसमें भी जो पिसा गया है वो बेचारा उस्ताद, और उसके लिए जो नो एग्ज़ाम वाले बात थी उसमें उस्ताद भी बेचारा मारा गया है। हुआ ये इस सिस्टम में, इस निज़ाम में टीचर की जो अकाउंटेबिलिटी है, उस्ताद की जो जवाबदेही है, उसके लिए क्या किया गया कि टीचर को कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन में स्कूल में, आप खुद लिख दो, और वो टीचर सेल्फ असेस करेगा वो क्या कर रहा है। और मज़े की बात ये कि उस टीचर को कई गवर्नमेंट और महकमे तालीम और ये नेता लोग और लीडर लोग टीचर को या तो बेवकूफ़ समझते या बेवकूफ़ बना के रहेंगे उनको, कि उस टीचर ने क्या लिखना है। उसके लिए महकमे तालीम ने लगभग 250-300 जुमले सेंटेंसेस रेडीमेड दे दिए उनको, उनमें से कुछ चूज करो और लिखो। जैसे ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये स्टूडेंट, ये तालिबे इल्म अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ये तालिबे इल्म अच्छी पढ़ाई करने जा रहा है, ये तालिबे इल्म अच्छी पढ़ाई कर सकता है, इस तालिबे इल्म में अच्छी पढ़ाई करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, ये तालिबे इल्म जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता, यानी सारे जितने सेंटेंस हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें रेडीमेड सेंटेंसेस दिए गए, उसमें से चूज करो। ये इसलिए तशवीश की बात है, ये इसलिए बहुत अफसोस की बात है कि क्या वो डिपार्टमेंट, वो महकमे तालीम उस्ताद को इतना बेवकूफ़ समझता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो खुद लिख नहीं सकता है, खुद लिख सकता है लेकिन लिखने की क्रिएटिविटी उसकी जो है वो ज़ायल हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसके अंदर की जो सोचने समझने की जो फिक्र जो है वो भी ख़त्म हो जाए, और हमारे रेडीमेड जुमले जो हैं उसका सहारा लेकर, भाई इस बच्चे के लिए असलम के लिए ये, सलीम के लिए ये, ऐसे सेंटेंसेस हम लिखे हैं। और फिर क्या हुआ, वो बच्चे को जांचने के लिए एग्ज़ाम नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो भर भर के लिखें, डायरियाँ भर भर के हमारे टीचर्स लिखें, तो हमारे क्वालिफाइड, अच्छे,
काबिल टीचर्स जो हैं वो क्या बन गए हैं, क्लर्क बन गए, क्लर्क फुल टाइम क्लर्क बन गए, उनको क्लर्क का काम मिल गया है, वो लिखते हैं। अब उसके आगे की बात सुन लीजिए। एक स्कूल में जिनके हेडमास्टर साहब मेरे पहचान के, और 12 टीचर्स जो हैं वो डायरियां भर भर के लिख रहे हैं, हमने ये किया, हमने बच्चे में देखा कि ये तब्दीली आई, बच्चा जो है वो अब खुद से लिखने लगा है, पढ़ने लगा है, वगैरह वगैरह सभी। उन 12 टीचर्स वाले स्कूल के हेडमास्टर से हमने पूछा कि सर ये टीचर्स जो पूरे दिन में जो लिखते हैं जो चीज़ें, क्या कभी आप ये पढ़ते हैं? तो वो हेडमास्टर साहब ने झेंपती हुई जवाब दिया, शर्माते हुए जवाब दिया कि नहीं, ये 12 टीचर्स की ये सारी बातें जो हैं वो पढ़ने के लिए हम कहाँ से टाइम निकालें, हम जो है उस पर दस्तखत कर देते हैं, साइन कर देते हैं बगैर पढ़े हुए। अब इससे आगे और बात सुन लीजिए। मुंबई शहर के एक बड़े स्कूल, बड़े से मुराद है कि वहाँ पर काफ़ी तादाद में बच्चे, और लगभग 75 टीचर्स, 75 टीचर्स उस स्कूल में। अब 75 टीचर्स डायरियां भर भर के लिख रहे हैं, उनकी हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया होगा? सोचिए जरा, सोचिए कि उनकी हेडमिस्ट्रेस ने क्या किया होगा। उन्होंने अपनी सिग्नेचर का रबर स्टैम्प बना लिया ताकि पढ़ने की भी नौबत नहीं आए, देखने की नौबत भी नहीं आए। और फिर ये होता है कि वो जो खाला माँ जो स्कूल की जो झाड़ू वाली हैं वो क्या करती हैं, रोज शाम को कमरे उमरे साफ करने के बाद में वो टीचर्स के सारे रिपोर्ट लेकर बैठती हैं, और वो जो हेडमिस्ट्रेस का जो रबर स्टैम्प है वो उसके ऊपर लगाती हैं। यानी वो झाड़ू वाली जो खाला माँ, जो कमरे साफ करने वाली खाला माँ हैं, वो क्या बन गई हैं, एडिशनल हेडमिस्ट्रेस। वो हेडमिस्ट्रेस हैं और ये एडिशनल हेडमिस्ट्रेस के टीचर के परफॉर्मेंस पर वो जो खाला माँ हैं वो उस पर थप्पा लगा रही हैं। हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, ये क्या हाल है? यानी डिपार्टमेंट ने ये जो तालीमी निज़ाम में जो कुछ भी चल रहा है उसमें जिस पहले शख्स पर भरोसा किया था वो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस थी, उसने ये कबाड़ा कर दिया पूरे सिस्टम का। एक और आदमी है जिस पर डिपार्टमेंट ने भरोसा किया है कि वहाँ से हमको रिपोर्ट मिलेगी कि अब एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, वो स्कूल में क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है कि गपशप चल रही है, कि मौज मस्ती चल रही है, कि रोज़ पिकनिक हो रही है, या क्या हो रहा है, उस आदमी से हमको मालूम पड़ेगा। और वो आदमी कौन है? वो है एजुकेशन इंस्पेक्टर। और एजुकेशन इंस्पेक्टर अक्सर वो होता है जैसे उर्दू स्कूलों में वो एजुकेशन इंस्पेक्टर आता है जिसको उर्दू का एक लफ्ज पढ़ने को नहीं आता, ठीक है। अब हेडमास्टर साहब जो हैं वो क्या कर देते हैं, अगर उस एजुकेशन इंस्पेक्टर के सामने बच्चों की लिखी हुई मजमून नवेसी की या लतीफ़ों की जोक्स की किताब भी अगर रख देते हैं तो उस एजुकेशन इंस्पेक्टर को क्या मालूम पड़ेगा, वो तो बोलेगा बहुत अच्छा है, बच्चों के लिखे हुए जोक्स उर्दू में लिखे हुए हैं, ये हमारे टीचर की लिखी हुई डायरी है। उसमें होता क्या है और सुन लीजिए, वो एजुकेशन इंस्पेक्टर जो है आता है, उसको कुछ पढ़ने नहीं आता है, लेकिन वो कहता है हाँ साहब आपका सब काम बराबर नहीं है। तो बोलते नहीं मेरे सब काम बराबर है, नहीं टीचर लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं। बोले काम कर रहे हैं, डायरियाँ सब भरी हुई हैं, उसे बराबर लिख रहे हैं। नहीं 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 काम बराबर नहीं है। इतने में हेडमास्टर साहब जो हैं एक बैग उनके हाथ में थमा देते हैं। बोले क्या है इसके अंदर? नहीं ये पैंट पीस शर्ट पीस है, इससे क्या होने वाला है, काम ही बराबर नहीं ना आपका। तो फिर जो है अब समझ जाते हैं कि ये ज़रा मानने वाला नहीं है, ये सही एक लिफाफा देते हैं। बोले क्या है इसके अंदर? नहीं एक 5,000 रुपये के मिठाई के लिए। हाँ तो लाओ पेन लाओ।
फ़ौरन पेन मांगा जाता है। अब हेड मास्टर साहब जो है चुटकी लेते हैं, साहब आप साइन कर ही रहे हैं ना, तो एक रिमार्क और लिख दीजिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं बोलता तो बोल लिखते जाता हूँ। तो हेड मास्टर साहब डिक्टेट कराते हैं और एजुकेशन इंस्पेक्टर लिखते जाता है। हेड मास्टर साहब कहते हैं कि लिख दो कि ये स्कूल एक मिसाली स्कूल है, एक स्कूल एक मिसाली स्कूल है, और इसके जो हेड मास्टर हैं वो एक मिसाली हेड मास्टर हैं, और इनको एक स्टेट अवार्ड कम से कम बेस्ट टीचर का उनको मिलना चाहिए। हम उनको रिकमेंड कर देते हैं, इसका टीचर अवार्ड मिलना चाहिए, रिकमेंड कर देते हैं। ओके, दो लोगों पे भरोसा किया गया, एक हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस पे, एक एजुकेशन इंस्पेक्टर पे। ये अकाउंटेबिलिटी है, ये जवाबदेही है। आप मुझे बताइए कि यहाँ से अब क्या रास्ता है इस तालीमी निज़ाम को बचाने का, जब जवाबदही अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि उस बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, बच्चा क्या कर रहा है। अब सवाल हमारा ये पैदा होता है कि टीचर का जो ये मर्तबा इतना जो कम, इतना पस्त, इतना बौना, जो इस डिपार्टमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने पूरे यहाँ पर मुल्क ही नहीं बर्रे सगीर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मुस्लिम ममालिक में जो किया गया है, वो क्या वजह है इसकी? या फिर हमारे टीचर उससे खुश हैं? क्या वो यही चाहते थे कि वो टीचर से क्लर्क बन जाए, कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, उनके गुलाम बन जाए, और उसमें उसके बावजूद गवर्नमेंट के जो जीआर आते हैं, जो रिजोल्यूशंस आते हैं, वो एक आसमानी कोई आफाकी हुक्म ये समझकर उसको फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ पर स्कूलों में। तो ये जब फॉलो किया जाता है तो उसके बाद में हम और क्या तवक्को रख सकते हैं? उस्ताद अगर खुद अपना मर्तबा कम करने पे तुला हुआ है तो उससे बड़ी ट्रेजडी, उससे बड़ी बदकिस्मती की बात किसी भी कौम और किसी भी मुल्क के लिए कतई नहीं हो सकती। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله الله